हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स देखो, आज हमारे घर पे पानी नहीं था, ये मेरे राजा जी आ गए हैं पानी लेके। आज कैसे देखो, बाहुबली बन गए हैं मेरे राजा जी। तो रखो, पहले रखो रखो, उधर रखो, बाहुबली पकड़ के दिखा रहे है। ला रहे इतना दूर से, वो कुछ नहीं है। थक गए हो? थोड़ा बहुत थक गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह जो है पीने का पानी खत्म हो गया था। ठीक है, तो हम लोग तो हड़बड़ी में थे, बोलना भूल गए। फिर घर आके कॉल किया लड़का को, तो जो मतलब जो पानी देने के लिए आता है वो तो घर पे है ही नहीं। मतलब किस्मत इतना फूटा हुआ था आज मेरा, तो उनके घर में माँ बाबा था उसका, तो वो लोग तो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो मुझे खुद उनके घर से ये पानी का ये जो ड्राम है उसको उठा के लेकर आना। हाँ, एक्चुअली इतना हड़बड़ी में रहते हैं, हम दोनों दिखाई नहीं था। तुम जाओ जाओ, जाके हाथ पाथ धो के आ जाओ। मैं ये, तुम आज मेरा हैंड मसाज कर देना। ठीक है? हाँ हाँ, कर देंगे। हाथ में दर्द हो रहा है अभी। ठीक है ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाते। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ही मैंने कहा था प्रिया को, हाँ, कि मैं बाहुबली की तरह पानी का जो ड्राम है उठा के लेकर आया हूँ, मेरा हैंड मसाज कर दो। और तुम सजने के लिए बैठ गई? तो क्या करूं मैं, मेरा टाइम निकलता जा रहा है। कहाँ जाओगी तुम, तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है? रील्स करना है बाबा। वैसे तो फ्रेंड्स रात को देखो आए हैं घर हम दोनों, आने के बाद कितना सारा काम है। मैंने किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं आज, क्योंकि मुझे रील्स करना है, तो मैं रेडी हो रही हूँ। मतलब तुम अभी रील्स करोगी? मैं तुम्हारा हाथ दबाना है ना, मैं सोते टाइम कर दूंगी ना बाबा। अच्छा ठीक है, कर देना फिर। फ्रेंड्स, प्रिया जो ऐसे काजल लगा रही है ना, फ्रेंड्स मुझे एक बात याद आ गया है। अच्छा एक काम कर रहे, फ्रॉन्ट में आके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है? एक बात जो एक कमेंट आया था ना, उसको याद आ गया, मैं बताता हूँ। रुको फ्रेंड्स, जो बात आप लोगों को बताने वाले थे वो ये है कि इंस्टाग्राम पे ना एक कॉमेंट आया था, एक जन ने पूछा था कि प्रिया तुम आँख में कितना किलो काजल लगाती हो, है ना, ऐसा एक कॉमेंट आया था। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तुम ये तुम्हारा काजल दो तो मुझे। क्या काजल दो हाथ में? फ्रेंड्स ये काजल है, प्रिया लगाती है, ये है आपका लैक्मी आइकॉनिक काजल। इसको खोलो ना, एक बार दिखाओ। तो फ्रेंड्स ये वहाँ पूरा खोल दो, ये नया है। हाँ ये तो नया है फ्रेंड्स, ये जो काजल है ना, ये काजल प्रिया का मतलब डेढ़ महीना भी जाता नहीं है, एक महीना होते ना होते ही खत्म हो जाता है। तो आप लोग समझ लो कि कितना भर भर के लगाती है। एक्चुअली जितना भी सजावट का जो सामान है, प्रिया का सबसे फेवरेट ये प्रिया का काजल ही है। मतलब वो लिपस्टिक नहीं लगाएगी, लेकिन काजल के बिना वो रहती नहीं है। तो घर में भी जब रहती है काजल पहन के रहती है, बाहर भी जब जाती है काजल पहन के ही जाती है। तो यही बोलना था कि फेवरेट चीज काजल है। हाँ तो इसको ही है जो भर भर के लगाते हैं। तो एक जन में ऐसे कमेंट दिया था तो याद आ गया मुझे। हाँ तो आप मतलब अभी काउंटिंग करो कि मुझे कितना किलो काजल लगते हैं आँख में। ठीक है, अभी आप काउंटिंग करो। चलो फिर ठीक है, तो तुम फिर रेडी हो जाओ। मैं जाओ चाय बनाने जाओ। चाय बनाओगी? नहीं छोड़ो, तुम अब बैठ गई हो सजने के लिए, तो मैं ही जाता हूँ चाय बनाने के लिए। लोगो तुमको छुटकारा दे दिया काम से, आज मुक्ति मिल गया तुमको काम से। ठीक है जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो चाय पियेंगे, क्योंकि चाय के बिना तो एनर्जी मिलेगा नहीं, क्योंकि रील्स करना है ना। तो अभी चाय बनाने के लिए जाते हैं, या जो है सज रही है तो उसको सजने देते हैं। ठीक है? हो गया है, मैं बस ड्रेस पहनूंगी। अच्छा हो गया है। हाँ, पर तुम चाय बना के लाओगे? ठीक है, चाय बनाकर फिर मैं यही लाता हूँ। ठीक है चलो चलो फ्रेंड्स, फिर चाय बना के लाते है। आ गया किचन पे, अभी जो है अपने के लिए चाय बनाएंगे। आप लोग देखो कि कैसे मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है चलो। मैंने जो ये ब्रेड जो है सेक लिया है अच्छी तरह से, अभी तो ये ब्रेड ही खाएंगे चाय के संग। अभी जो है फ्रेंड्स प्रिया के लिए चाय बनाएंगे। हम लोग तो ज़्यादातर ये आपका लिका चाय ही पीते हैं, दूध चाय पीते नहीं है इतना। गरम होने देते हैं, उसके बाद चाय बनती कर देंगे। कितना टाइम लग रहा है तुमको चाय बनाने में? क्या, अरे रुको, ये देखो ब्रेड तो मैंने सेका ना, अभी जस्ट पानी गरम भी हो गया, चाय पत्ती डाल देंगे तो डाल दो, पानी तो फूट गया है ना। हाँ स्पेशल टी बना रहे है। ठीक है, मैं तो बीबी का गुलाम हूँ। हाँ
इसीलिए मुंह दिखाओ गुलाम जी का। क्या दिखाओ, बीबी का गुलाम हो ये ऐसा ही मुंह होगा ना, गुलाम जैसा बना दिया है तुमने। शादी करके मैं तो फंस गया। अच्छा इतना काम करा रही हो मेरे लिए। तुम खुद आए चाय बनाने के लिए, मैंने बोला तुमको चाय बनाओ एक बार। तुम तो पहले से बैठ गई, तो मैं क्या करूं, उठा के लेकर आता तुमको। फ्रेंड्स चाय बनाना मेरा हो गया है, अभी जो है इसको डाल देंगे। फ्रेंड्स चाय बन गया मेरा, देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। अभी जो है ये बटर के साथ इसको ब्रेड में लगा के खा लेंगे। चलो मुझे ज़्यादा ज़्यादा करके बटर दे रही हो ना, तुम्हारे लिए ही तो दे रही हूँ, ज़्यादा ही तो तुम्हारे लिए ही देती हूँ। हाँ नहीं मैंने फिर भी बोला, भूल जाओगी तो फिर मुझे फिर से मांग के खाना पड़ेगा तुमसे। दिया है अच्छे से दिए हो। चलो सब तो हो गया, अभी फ्रेंड्स अभी खाएंगे हम दोनों। हाँ देखो फ्रेंड्स राय जी आज चाय बनाए हैं, कलर देखो कितना कड़क कलर बनाए हैं, कड़क बन गया काला दिख रहा है चाय। अरे हाँ इतना कैसे हो गया, इतना कलर ज्यादा लग रहा है ना। हाँ चाय के पत्ती ज्यादा डाल दिए हो शायद, क्या मालूम हो सकता है ज्यादा ही डाला होगा मैंने। अच्छी तरह से तो उबाल भी थे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। अब पी के देखना पड़ेगा क्या हुआ है। थोड़ा पत्ती ज्यादा दे दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा कड़क चाय पियो ताकि जो है नींद ना आए और अच्छे अच्छे तरह से तुम रील्स कर पाओ, नहीं तो नींद आ जाते हैं ना। आज जो है ये चाय पी के तुम्हारा नींद भाग जाएगा। ठीक है आओ तुम खाओ। ठीक है देख सकते हो मैडम जी एकदम तैयार हो गई है रील्स करने के लिए। एक भी गाना हुआ नहीं हुआ है अभी तक, मैं तो शुरू किए ना। हाँ तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है तुम पहले एक करो, उसके बाद मैं आराम से तैयार होता हूँ। ठीक है अच्छा ठीक है। चलो गान पहले सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ मैं वो मेरी जो आईडिया है उस पे कर रही हूँ। अच्छा वो वाला आईडी पे करोगी। हाँ ठीक है करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों का रील्स जो है हो गया है। इतने देर से तो रील्स कर रहे थे दोनों, अभी तो मैडम नाइट क्रीम लगा रही है। हो गया है अभी तो फ्रेंड्स हम डिनर करेंगे, डिनर तो हुआ नहीं हमारा तो भी लग गया है। हाँ लगा दो फटाफट डिनर करेंगे, खाना गर्म करना पड़ेगा ना। हाँ खाना तो गर्म करना पड़ेगा। हाँ तो जाके गर्म करती हूँ। ठीक है तो चलो फिर। हाँ गर्म फ्रेंड्स सब लोग देखो आज का जो डिनर है हमारा वही ये अंडा करी मैंने सुबह बनाया था, अभी इसको गर्म कर रही हूँ तो हमारा डिनर यही है आज का।
फ्रेंड्स खाना तो लगा दिया है प्रिया ने, अभी जो है खाना खाएंगे। आज का दिन आप तो आप लोग देख चुके हो, अंडा करी है, चावल के साथ अंडा करी खाएंगे। अभी तो बहुत भूख लगा है, फिलहाल जो है खाना खा लेते हैं, है ना? बहुत ज्यादा भूख लगा है। तो खाना खाने के बाद फिर से आप लोगों से मिलते हैं, चलो। देखो राय जी अभी कपड़ा भिगो रहे हैं इतने रात को, ये हमारा डेली का काम है, राय जी रात को करते हैं। हमारे जो दिन का कपड़ा होते हैं सब राय जी रात को भिगा देते हैं और हम सुबह धो देते हैं उसको। तो तुम्हारा काम हुआ है? हाँ हो ही गया, बस चेक करे सब तो दे देना। हाँ दो पैक है मेरा आज इस बार, ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी से। फ्रेंड्स अभी तो हमारा डिनर हो गए हैं और राया जी ने तो सारे कपड़े वगैरह सब कुछ भिगो दिए हैं, अभी तो बस बिस्तर करना है और सो जाना है। हाँ और सो जाएंगे, और कुछ करना नहीं है। और कुछ करना है तुमको याद नहीं है मतलब तुम्हारा जो मालिश? ओ बाबा मैं तो भूल ही गया था फ्रेंड्स, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। देखा मुझे कितना याद रहते, तुमको सारे कितना सारे काम करवाए आज। आज तो बहुत काम करे। हाँ तो ठीक है, रोज तो तुम ही करते हो, आज थोड़ा हेल्प कर दिया। आज तुमको मैं जामु वाला मैसेज करूंगा। क्या जामु मिलेगा? फ्रेंड्स मेरा तो आज बोनस मिल गया है, मतलब जम्बू मसाज मिल रहा है, मतलब बोनस मेरे लिए। इतना जोर से करेंगे ना कि तुम्हारा एकदम दर्द वर्द कुछ नहीं रहेगा, हड्डी हड्डी तक पूरा तुम्हारा मसाज चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिया ने तो कह दिया है कि मुझे जम्बू मसाज मिलने वाला है, तो अभी तो मुझे एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से, क्या बताओ। ठीक है सारा दर्द वगैरह सब भाग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आज हमें पहली बार देख रहे हो तो जी मैं बता रही हूँ कि मैं प्रिया और यह है मेरा प्यारा सराय जी। हम दोनों के बारे में जानना है तो जी हमारे काफी सारे ब्लॉग से आप एक एक करके देख सकते हो और हमारे बारे में जो है जान सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आती है तो जी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास में जो छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच सके। तो चलो राया जी जल्दी से तुमको जामु वाला मैसेज देते हैं। चलो और हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरा आंख ऐसे खींचता हुआ जा रहे है। ठीक है तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए यहीं पे खत्म कर देते हैं क्योंकि प्रिया को आ गया है बहुत सारा नींद और मुझे भी करना है मसाज। ठीक है तो फिर करना है ना लेना है। अच्छा ठीक है लेना है, थोड़ा बहुत मतलब एक्साइटमेंट में हो जाता है कि कर रहे हैं कि ले रहे हैं। ठीक है तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।